Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hameed. If you have not subscribed this channel yet, please do it now. But after watching this video, and today's video is about active voice and passive voice of future simple tense. तो आइए हम देखते हैं कि future simple tense में हम किस तरह से active voice से passive voice में लेके जाएंगे. अगर आप देखें तो आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारे सामने है, द पुलिस विल कैच हिम. तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है. हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, तो हम क्या करेंगे, हम हिम का सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे और वो बन जाएगा ही. उसके बाद हमने देखना है कि हमारे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है. हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है, और हमें यह पता है कि अगर विल या शैल हो तो हम उसके साथ बी का इजाफा करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ही के साथ विल ही आता है तो विल आएगा और उसके बाद हम बी का इजाफा कर देंगे. ये एडिशन होगी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, विल बी हो जाएगा. अब हमने देखना है कि हमारा मेन वर्ब क्या है. हमारा मेन वर्ब इस सेंटेंस में कैच है, तो हमने कहा था कि पैसिव वॉइस जब भी बनेगा तो हम उसकी का जो मेन वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में जाएगा. तो हम कैच की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, दैट इज कॉट, ही विल बी कॉट. और फिर हमने कहा था कि हम बाय को ऐड करेंगे, और बाय को ऐड करने के बाद हमने कहा था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे आ जाएगा. इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो द पुलिस है, तो हम इसको द पुलिस ले आएंगे. तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस बना. पॉजिटिव सेंटेंस था. आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम चलें तो आप ये देखें कि हमारे पास, हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट हमारा हिज हेड है. हिज हेड हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इसलिए हिज हेड इसी तरह आएगा. उसके बाद हमारे पास हमने हेल्पिंग वर्ब देखना है. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, तो क्योंकि हिज हेड के साथ भी विल आता है तो हम यहाँ पे विल लगा देते हैं. नॉट है तो नॉट को हम ले आएंगे, और क्योंकि पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो बी का इजाफा होगा, तो विल नॉट बी हो जाएगा. और कवर हमारा मेन वर्ब है, इसको हम चेंज कर देंगे इसकी थर्ड फॉर्म में और वो बन जाएगा कवर्ड. और बाय एड होगा, और ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, क्योंकि ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो हिम है, और आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा. अब हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस. यहां से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी स्टार्ट होती है, या हमारा सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन मांगता है, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में अब आना है. विल शी अटेंड दिस मीटिंग. तो अब हमें ऑब्वियसली हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे ऑब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है. ऑब्जेक्ट हमारा दिस मीटिंग है. दिस मीटिंग के साथ अब डिसाइड कर लें कि क्या विल आएगा या शैल. तो दिस मीटिंग के साथ विल आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट विल ले आते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका पहला हिस्सा जो है वो क्वेश्चन में शुरू में जाता है, विल हो जाएगा. उसके बाद दिस मीटिंग हमारा ऑब्जेक्ट था, तो वो दिस मीटिंग इस तरह से हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा, विल दिस मीटिंग. अब विल जो है उसका जो दूसरा पार्ट बी है वो हम यहां पर ले आएंगे, और ऐसे हो जाएगा. तो विल दिस मीटिंग बी अटेंड को हम थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, अटेंडेड हो जाएगा. और उसके बाद हमने बाय लगाना है, और देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या था. सब्जेक्ट हमारा शी था, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हमने देखना है कि वो क्या है. तो हम उसको, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो हम उसे हर में चेंज कर देंगे, और आखिर में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है. याद रखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, नरेशन में ये चेंज होता है, क्वेश्चन मार्क जो है फुल स्टॉप में चला जाता है. आइए अब हम अगला जुमला देखते हैं, और इस जुमले में अगर हम देखें तो अब हमारे पास दो चीजें मजीद आ रही हैं, मतलब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है. तो वही देखेंगे चीज हम कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट अस है, वी बनेगा. और अब यहां पे देखें, क्योंकि वी आ रहा है
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जब आएगा तो वी बनेगा, तो वी के साथ हमेशा याद रखिए कि शैल आता है, वी के साथ विल नहीं आता। तो इसलिए अब हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, शैल लगाना है, अब हमने विल नहीं लगाना। तो याद रखिए जब भी आपका ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट आएगा बनेगा, तो आपने देखना है कि ये जो नया सब्जेक्ट बना है इसको हमने बेसिकली उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो शैल हो जाएगा, उसके बाद हम वी लगाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास नॉट है तो शैल वी नॉट बी, इजाफा होगा बी का, इनवाइट से हम ले जाएंगे इनवाइटेड को, तो विल बी इनवाइटेड बाय, और हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेगा, दे हमारा सब्जेक्ट है तो ये जब पोजीशन लेगा ऑब्जेक्ट की तो दे केस, जो दे का केस है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में जो कि देम है, तो हम ये क्या करेंगे देम लगा देंगे और याद रखिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं WH interrogatives, WH interrogatives में क्या होता है कि WH भी लगेगा, WH क्या है, who है, what है, when है, where है, when, how है, why है, उनमें से कोई भी आपका शुरू में आएगा। तो जब ये WH interrogative होगा तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो भी WH interrogative है उसको हम आप जो है क्या करें आप पहले लिख लें। अब बाकी क्या बच गया, विल यू कॉल मी, अब आप देखें कि इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो वो जब सब्जेक्ट बनेगा तो वो आई बनेगा, तो आई के साथ मैंने क्या लगाना है शेल, तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वेन के बाद मैं क्या करूंगा मैं अपना हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा लगा दूंगा शेल, वेन शेल। अब मैंने क्या करना है मी को सब्जेक्ट की जगह लाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई, तो when shall I, और क्योंकि ये passive voice है और हमने कहा कि जब future simple होता है तो shall और will के साथ be का इजाफा होता है, तो अब हम क्या करेंगे be का इजाफा कर देंगे, when shall I be call की हम third form ले जाएंगे, called हो जाएगा, when shall I be called by का इजाफा, और आखिर में बचा you, तो you का objective case you ही होता है, तो हम you लिखेंगे और उसके बाद question mark लेंगे। आखिरी सेंटेंस जो है वो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वही स्टेप लेंगे, डब्ल्यू एच को उसी तरह लिखें, बाकी देखें जी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, फूड जो है वो शेल नहीं बल्कि विल लेता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे विल ही आएगा, यहाँ पे आपका सब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, तो वाई विल फूड आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पर आया, नाउन है इसलिए फूड ही रहेगा। उसके बाद नॉट आपने एड किया और क्योंकि आप पैसिव बना रहे हैं और शैल और विल के साथ बी का इजाफा होता है, बी का इजाफा हुआ, और उसके बाद कुक हमारा वर्ब है, कुक की हम थर्ड फॉर्म लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा कुक्ड, उसके बाद हमने बाय का इजाफा करना है, और सबसे आखिर में जो आएगी चीज वो ही है, और ही का जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो ही चेंज हो जाएगा हिम में, और याद रखिए कि आखिर में हम बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमने फ्यूचर सिंपल सिंपल टेंस के 6 सेंटेंसेस देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और हमने देखा कि पैसिव वॉइस इन सेंटेंसेस का किस तरह से बनता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।